वर्धा जिले में कई किसानों ने बुवाई की है। इसके अलावा किसान लंबे समय तक बारिश के कारण अंकुरित बीजों को जीवित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोहरी बुवाई का संकट कगार पर है। अभी तक वर्धा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कोई आधिकारिक एजेंसी नियुक्त नहीं की गई है। मानसून की शुरुआत के साथ ही जिले में कपास, सोयाबीन और अन्य फसलों की बुवाई हो चुकी है। हालांकि लंबी बारिश के कारण कई किसानों को दोहरी बुवाई के संकट का सामना करना पड़ रहा है। फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उपयोगी है। वर्तमान में फसल बीमा योजना वैकल्पिक है। वर्धा जिले में इस योजना के लिए कोई आधिकारिक एजेंसी नियुक्त नहीं की गई है। फसल बीमा कंपनी की नियुक्ति जिला स्तर पर नहीं बल्कि सरकार द्वारा की जाती है। प्रशासन उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया में है और जल्द ही एक फसल बीमा कंपनी की नियुक्ति की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी अनिल इंगले ने बताया। पीक विमा कंपनीची जी नियुक्ती आहे तर ती बऱ्याचशा लोकांची मागणी होती की जो बीड पॅटर्न आहे त्या बीड पॅटर्नच्या आधारावर विमा कंपनीची नियुक्ती करा। तर आता त्यावर शासनाचा विचार चालू आहे। विमा कंपनीची नियुक्ती इथून जिल्ह्यातून नाही होत, ती राज्य सरकार करते। तर 15 जुलै ती प्रोसेस चालू आहे आता आणि आपल्यापर्यंत 15 जुलैपर्यंत नियुक्ती होऊन आपल्यापर्यंत शासन निर्णय येण्याची शक्यता आहे। ते प्रशासनाचं काम आहे। प्रशासन हे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा तसंच आहे की त्यांचं विम्याची एजन्सी अजून नियुक्त शासनाने केलेली नाही आहे। वास्तविक पदा ती करायला पाहिजे होती। या पिरियडमध्ये जेवढ्या शेतकऱ्यांचा आता जो लॉस झालेला आहे तर काही ना काहीतरी विमा भेटला असता, पण शासनाचं याच्याकडे दुर्लक्ष झालं असल्यामुळे हा सर्व शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान जे आहे ते शेतकऱ्यांचंच होणार आहे। याच्यात शासनाचं काही होणार नाही आहे। तरी पण शासनात जे काही आहे त्यांनी लक्ष देऊन त्वरित या विमा कंपन्यांची नियुक्ती करणे, शेतकऱ्यांना काय लागते काय नाही लागत याच्याकडे लक्ष देण्याची अतिशय गरज आहे।